दोस्तों, एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब के साथ मुखातिब हुआ। ए मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने सुना है कि मुसलमानों का दीन सच में उस आखिरी नबी का दीन है जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र हमारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। ए खलीफा दुवम, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे इन सवालात का इस तरीके से जवाब दिया कि इन जवाबात को मेरी अकल तस्लीम कर ले तो मैं अपना दीन छोड़कर आपके दीन की पैरवी करूंगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अगर तुम वाकई में कोई सवाल करना चाहते हो तो तुम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों के पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। तब वो यहूदी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों के पास पहुंचा और निहायत अदब व एहतराम से मुखातिब हुआ, ए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों, मैंने अपनी इल्हामी किताबों में सुना है कि यह दीन एक सच्चे नबी का दीन है। अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं ताकि उनके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मैं आपके दीन की पैरवी कर सकूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि ए इब्ने आदम, मुझसे जो भी सवालात करना चाहते हो बिला झिझक कहो, मैं तुम्हें उनके सही सही जवाब दूंगा। तब वो शख्स कहने लगा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पांव है, ना जिस्म है, सारे का सारा मुंह है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जमीन पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हर वक्त चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रुए जमीन पर ऐसा कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा किया गया था। मेरा चौथा सवाल यह है कि आपका दीन कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे मगर पेशाब और पाखाना ना करेंगे, ये आखिर कैसे मुमकिन है। मेरा पांचवा सवाल यह है कि वो ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके साये में इंसान 100 साल तक चलता रहे, इसका साया फिर भी खत्म ना हो। मेरा छठा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी उम्र खुद तो 50 साल थी लेकिन उसके बेटे की उम्र 100 साल थी, यानी वो बेटा अपने बाप से 50 साल बड़ा था। मेरा सातवां सवाल यह है कि इस जमीन पर ऐसे कौन से इंसान थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया। फिर आठवां सवाल यह है कि इस जमीन पर ऐसे कौन से दो जानवर थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया था। मेरा नवां सवाल यह है कि वो अल्लाह ताला के ऐसे कौन से पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पर भेजा था। वो पैगंबर ना जिन थे, ना इंसान और ना ही फरिश्ता थे। मेरा दसवां सवाल यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में से किसी के साथ अल्लाह ताला ने कोई कलाम किया था? अगर कलाम किया था तो किससे कलाम किया था और क्या कलाम किया था? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पांव है, ना जिस्म है, बस मुंह ही मुंह है। तो ऐ बंदा खुदा, तुम अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि वो चीज दोजख की आग है। दोजख की आग हर चीज को खा जाती है। दोजख की ये आग काफिरों और मुशरिकों को इस तरह खाएगी जैसे कोई सदियों से भूखा जानवर हो। इस जहन्नम की आग से बचने के लिए लोग रो रो कर तड़प तड़प कर मौत की दुआ मांगेंगे लेकिन उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल यह था कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त चलती ही रहती है। तो वो चीज पानी है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए पानी को मुंतखब किया। नाज़रीन, पानी के चलने में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक ये भी राज रखा है कि अगर तुम हिदायत के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे, जैसे पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। जिस तरह इंसान दुनिया में ना उम्मीदवार और परेशान रहता है, अल्लाह के रास्ते पर चलने से खुद ब खुद मंजिलें आसान हो जाती हैं। तुम अल्लाह की राह पर चलो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सा दरख्त है जो बहुत जल्द उगाया गया था। तुम्हारा तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वो दरख्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एकदम जमीन से उगाया था। 40 दिन तक मछली के पेट में रहने की वजह से आपका सारा गोश्त गल चुका था और जिस्म गलने की वजह से आप रो रो कर अल्लाह ताला से सेहतयाबी की दुआ मांगने लगे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े फौरन आपकी दुआ कबूल की और जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आराम के लिए एक सायादार और फलदार दरख्त उगाओ। और अल्लाह के हुक्म से एक ही लम्हे में जमीन से फलदार सायादार दरख्त निकल आया। इस दरख्त पर लगे फल को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हो गए। बस ये वही दरख्त है जो जमीन से बगैर पानी के एक लम्हे में पैदा हुआ था। अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन उनको हाजत पेश नहीं आएगी।
तुम कहते हो कि ये नामुमकिन है, तो ए इब्ने आदम, इसकी मिसाल दुनिया में ही मौजूद है। जैसे हर बच्चा माँ के पेट में 9 माह तक खुराक की नाली से खाता और पीता रहता है, 9 माह तक माँ के पेट में खाने पीने के बावजूद भी वो पाखाना और पेशाब नहीं करता, इसी तरह अगर अल्लाह ये चाहे कि जन्नत में उसके लोग खाएं पिएं और उन्हें रफा हाजत पेश न आए, तो ऐसा ही होगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जन्नत में जब लोग जहां से जी चाहे खाएंगे, लेकिन जब उनको पेशाब और पखाने की हाजत पेश आएगी, तो अल्लाह की तरफ से बस एक खुशबूदार डकार आएगी, तो उनकी हाजत रवाई हो जाएगी। अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साए के नीचे इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक चलता रहे, फिर भी उसका साया खत्म ना हो। तो ए इब्ने आदम, वो दरख्त शजरे तूबा है। ये दरख्त जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। ये इतना बड़ा दरख्त है कि इसकी शाखें और टहनियां जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। ये दरख्त 7 आसमान तक फैला हुआ है। इस दरख्त के नीचे अल्लाह ताला ने मुश्क, जाफरान और अंबर के बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। जन्नती लोग जिस फल की भी ख्वाहिश करेंगे, वो उन्हें उसी तरह मयसर आएगा। तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो इंसान कौन सा है जिसकी उम्र हो तो 50 साल, मगर उसके बेटे की उम्र 100 साल थी, यानी वो अपने बेटे से 50 साल छोटे थे। तो ए इब्ने आदम, वो इंसान हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। जब अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आपकी नजर एक ऐसी कौम पर पड़ी जिस पर अल्लाह पाक ने अपना अजाब नाजिल किया था। जैसे ही आपने उस कौम को अजाब में मरे हुए पाया, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरा परवरदिगार इन्हें दोबारा जिंदा करेगा। ए काश मैं इनको जिंदा होते देख सकता कि मेरा अल्लाह उन्हें कैसे दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह के नबी का ये कहना ही था कि अल्लाह ने मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और मेरे नबी की ख्वाहिश को पूरा करो। बस मलकुल मौत ने आपकी जान कब्ज कर ली। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके साथ गधे को 100 साल तक सुलाए रखा और 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। तो ए इब्ने आदम, जब मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया, तो उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी और उसी साल अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया था। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद दोबारा जिंदा होने के बाद अपने घर पहुंचे, तो आप क्या देखते हैं कि आप खुद तो 50 साल के हैं, लेकिन आपका बेटा 100 साल का हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिस तरह मैंने तुम्हें 100 साल बाद जिंदा किया, बिल्कुल इसी तरह मैं इन बस्ती के लोगों को क़यामत के दिन जिंदा करूंगा। अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि वो लोग जिनको मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया, वो कौन लोग हैं? तो ए इब्ने आदम, वो लोग असहाबे कहफ हैं। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को 309 साल तक एक ही गार में सुलाए रखा और 309 साल बाद इसी गार में दोबारा जिंदा किया। बेशक ये अल्लाह ताला के अजीम मौजजों में से एक मौजजा है। तुम्हारा 8वां सवाल यह है कि वो दो जानवर जिन्हें मरने के बाद इस जमीन पर दोबारा जिंदा किया गया, वो जानवर कौन से हैं? तो ए इब्ने आदम, तुम जान लो कि इन दो जानवरों में से एक जानवर असहाबे कहफ का कुत्ता है। अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को भी असहाबे कहफ के साथ 309 साल बाद जिंदा किया। दूसरा जानवर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है, जो उनके साथ 100 साल तक सोया रहा और अल्लाह ने 100 साल बाद उस गधे को भी दोबारा जिंदा किया। तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो अल्लाह पाक का कौन सा पैगंबर है जो अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर उतरा, लेकिन ना ही वो जिन्न है, ना इंसान और ना ही वो फरिश्ता है? तो इब्ने आदम, वो पैगंबर एक कौवा था। जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया था, कत्ल करने के बाद काबिल सोचने लगा कि मैं इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक कव्वे को जमीन पर भेजा, तो उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर जमीन में दफना दिया। उस कव्वे ने काबिल को बताया कि वो अपने भाई हाबील की लाश इस तरह जमीन में दफना दे। इस तरह ये कव्वा अल्लाह का पैगंबर बनकर जमीन पर पहुंचा, जो ना इंसान था, ना जिन और ना ही कोई फरिश्ता था। ए इब्ने आदम, तुम्हारा 10वां सवाल यह है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था? तो ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक एक इंसान से कलाम किया। न सिर्फ अल्लाह ने इंसानों से कलाम किया, बल्कि इंसानों ने भी अल्लाह से कलाम किया। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का ये जवाब सुनकर वो यहूदी कहने लगा, ए अली रदी अल्लाह अन्हु, हर एक इंसान ने अल्लाह से या अल्लाह ने हर इंसान से कैसे कलाम किया? तब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के कुरान में मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हर उस इंसान से कलाम किया जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजना था। तो अल्लाह ताला ने आलम मीसाक में एक एक इंसान से कलाम करके अलहदा अलहदा वादा लिया था।
कि ऐ मेरे बंदे, क्या मैं ही तेरा खुदा हूँ और क्या मैं ही तमाम जमीन व आसमान और इसमें बसने वाली मखलूकात का खालिक और मालिक हूँ? और तमाम इंसानों ने जवाब दिया था, बेशक ऐ खुदा, तू बहुत अजमत और बड़ाई वाला है, हर चीज तेरी ही पैदा की हुई है, बेशक तू ही हमें मारेगा और तू ही हमें जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाली ऐशो इशरत है और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले तुम्हारे वजूद से खुदा होने की अहमियत को मिटाकर कुछ अरसे के लिए तुम्हें जमीन पर भेजना चाहता हूँ। जमीन पर जाने के बाद अगर तुमने अपनी जिंदगी में मुझे तलाश किया और मुझे पहचान कर अगर दोबारा अपना खुदा मान लिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तुम जमीन पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस यहूदी से फरमाया कि ए इब्ने आदम, इंसानों को फरिश्तों से इसलिए अफजल किया गया है कि फरिश्ते अव्वल रोज से ये बात जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जब किसी इंसान का बच्चा इस जमीन पर पैदा होता है, उसके दिमाग में अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं होता। इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत इंसान के दिमाग को रखा है, ताकि वो अल्लाह की इस अजीम नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह की जात को तलाश करे, अल्लाह के एक होने का इकरार करे, ताकि वो दुनिया में फलाह पा सके। अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश को आसान बनाने के लिए इस दुनिया में अपनी आसमानी किताबें और 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे, लेकिन अफसोस के ये इंसान दुनिया के ऐशो इशरत और लज्जतों में इस कदर खो गए हैं, वो ये बात भी भूल गए हैं कि वो इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। जो लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह को तलाश नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जब उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा और ये चीख चीख कर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और अल्लाह से रो रो कर फरियाद करेंगे कि उनको एक बार दुनिया में भेजा जाए, वो खालिस उसी की इबादत करेंगे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका होगा, अल्लाह ताला पर उनकी किसी फरियाद का कोई असर नहीं होगा। जैसे ही यहूदी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह से ये बातें सुनी, तो उसने कलिमा शहादत पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया की आजमाइश से बखूबी गुजर कर जन्नत की ऐशो इशरत में जा सकें, जो हमेशा रहने वाली है। आमीन।